में यही वो शब्द है जो आपके यानी कि एक वोटर के जहन में सबसे ज्यादा घर करने वाला है। पिछले साल पूरे साल विधानसभा के जहां जहां चुनाव हुए सबसे ज्यादा बार आपने ये शब्द सुना होगा, गारंटी गारंटी गारंटी। और हाल के दशकों में इस शब्द की जगह जो शब्द इस्तेमाल होता था वो होता था चुनावी वायदे। घोषणा पत्रों में चुनावी वायदे किए जाते थे और अब इन्हीं घोषणा पत्रों में गारंटियों का ऐलान होने लगा है। अब इसकी गारंटी वर्सेस उसकी गारंटी, यह सवाल बड़ा मुफीद हो सकता है, लेकिन यह शब्द सबसे पहले हमने कांग्रेस जब कर्नाटक विधानसभा के चुनाव लड़ रही थी तब सबसे पहली मर्तबा सुना गया और इतना पॉपुलर हुआ कि महिलाएं प्रचारकों से गुस्से में यह कहने लगी कि हमारा गारंटी शब्द छपा हुआ कागज है कहां। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी का इस्तेमाल किया और एक चुनावी सभा में बाकायदा कहा कि भाई नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है आजकल गारंटी नाम का। और फिर यहां से शुरू हुई विधानसभा के चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गारंटी, जिसमें उन्होंने कहा कि गारंटी का मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी के पूरा होने की गारंटी। अब बहुत सारा गारंटी गारंटी हो गया है तो मैं बता दूं कि मैं बात क्यों कर रही हूं इस पर। दरअसल 24 के चुनाव में पहली बार आधिकारिक तौर पर कांग्रेस 25 गारंटियों के साथ सामने आ गई और बहुत सारे चुनावी वादे हैं कांग्रेस के। कल भी मैंने संक्षेप में थोड़ा आपको बताया था, युवा हैं, महिला हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं और भागीदारी न्याय की भी बात है। 30 लाख युवाओं को नौकरी देगी कांग्रेस, पेपर लीक से मुक्ति दिलाएगी और सबसे बड़ी बात यह है कि हर शिक्षित युवा को 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप मिलेगी, यानी कि शुरुआती नौकरी की गारंटी 8,000 रुपए महीना तकरीबन बैठता है ये। दूसरी गारंटी महिलाओं के लिए है, सरकारी नौकरी में आपको पहली बार 50% का आरक्षण मिलेगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। और एक और बड़ी गारंटी यह है कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हें सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा, यह भी तकरीबन 8,000 रुपए महीना बैठता है। किसानों की अब तक जो चिर प्रतीक्षित मोस्ट अवेटेड मांग है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी देंगे और स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक C2+50% देंगे, यह कांग्रेस ने अपनी गारंटी में बता दिया है किसानों को। अलावा इसके मजदूरों के लिए बड़ी घोषणा यह हुई है कि जो रोजमर्रा की दिहाड़ी है, दैनिक मजदूरी जो तकरीबन 325 रुपए के आसपास है इस देश में, उसको 400 रुपए कर दिया जाएगा और 25 लाख का हेल्थ कवर मिलेगा यानी मुफ्त इलाज मिलेगा। और अलावा इसके आरक्षण पर जो 50% की कैपिंग है बंद होगी, ओबीसी जनगणना होगी और उसके हिसाब से जितनी भागीदारी हिस्सेदारी के हिसाब से तय होनी चाहिए वो तय होगी। और बहुत सारी चीजें हैं जो गारंटी के नाम पर कांग्रेस ले आई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मुद्दों पर कांग्रेस बड़े कैलकुलेटेड तरीके से बड़ी गणित लगाते हुए इस घोषणा पत्र में न्याय पत्र में खामोश रह गई है। ओपीएस पर कांग्रेस चुप है, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हिमाचल में बड़ी गारंटी थी। अलावा इसके CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस पर कांग्रेस चुप रह गई जिसका हाल फिलहाल में जबरदस्त विरोध कांग्रेस ने किया। पेपर बैलेट पर चुप रह गई क्योंकि अभी तक मांग थी कि ईवीएम हटाओ पेपर बैलेट लेकर आओ, उस पर चुप रह गई कांग्रेस। और चुप इस बात पर भी रह गई जिस पर सबसे बड़ा हंगामा हाल फिलहाल के दिनों में हमने देखा, PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, CBI और ED का बेजा इस्तेमाल, नहीं कहा कि आएंगे तो PMLA का क्या करेंगे। लेकिन अब इन गारंटियों के जरिए कांग्रेस संजीवनी ढूंढ रही है 2024 के चुनाव में, लेकिन इन गारंटियों का एक लिटमस टेस्ट हो चुका है पिछले पूरे साल के दरमियान। हिमाचल लड़े, कर्नाटक लड़े, तेलंगाना लड़े, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लड़े, 50-50% का स्ट्राइक रेट है। हिमाचल, तेलंगाना, कर्नाटक जीत गए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार गए। तो क्या यहां से वो संजीवनी मिलती हुई दिखती है कांग्रेस पार्टी को इन गारंटीज के जरिए? खड़गे साहब का बयान दिखाऊं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी बता देती हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा पत्र पर जबरदस्त तरीके से आक्षेप किया, आरोप लगाया कि इसमें मुस्लिम लीग की सोच है, जो आजादी के आंदोलन के वक्त मुस्लिम लीग की थी वो सोच इसमें झलक रही है, और जो हिस्सा बच गया है घोषणा पत्र का उसमें वामपंथ हावी है, दक्षिण पंथ के माफ कीजिएगा वामपंथ की विचारधारा हावी है, कांग्रेस इसमें कहीं नहीं है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घोषणा पत्र पर, न्याय पत्र पर आरोप लगाया। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे यह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहते हैं मेरी गारंटी है, जबकि गारंटी शब्द हमारा है, प्रधानमंत्री इसे चुरा ले गए हैं। हमने हिमाचल में गारंटी दी, जो दिया उसे लागू किया, तेलंगाना में जो गारंटी दी उसको लागू किया। और खड़गे साहब सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी गारंटी है। मोदी जी हमेशा लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उन्होंने जो गारंटी दी वो अब तक पूरी नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि सबसे बड़ी मुख्य विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ने जो गारंटी दी कभी पूरी नहीं। अब यहां से आते हैं एक और गारंटी पर, जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, जिस पर मध्य प्रदेश जीते, जिस पर राजस्थान जीते, जिस पर छत्तीसगढ़ जीते, और मैं सिर्फ हालिया चुनावों का जिक्र कर रही हूं। फेस वैल्यू, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, उस चेहरे की गारंटी जिसके साथ वो कहते हैं कि तीनों चुनावों की जीत की हैट्रिक, 2024 में मोदी की जीत की हैट्रिक की भी गारंटी है। और गारंटी मोदी की मत, मोदी की गारंटी होने की गारंटी। क्या क्या गारंटी उन्होंने दी? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, और तीसरा टर्न और तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी पूरे विश्व में, तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, 81 करोड़ लोगों को, बल्कि 81 में 35 लाख और जोड़ लीजिए, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को मुफ्त का राशन, 5 किलो अनाज, किसानों को सालाना 6000 रुपए किसान सम्मान निधि, हर घर जल और हर घर नल, हर गरीब का पक्का मकान, युवा महिलाओं का सशक्तिकरण, आतंक पर लगाम, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी, आत्मनिर्भर भारत। और मोदी यह भी कहते हैं चुनावी सभाओं में कि मैंने जो कहा वो पूरा कर दिखा, राम मंदिर का निर्माण हो गया, धारा 370 हटा दी, 3 तलाक खत्म कर दिया, यूसीसी पर आगे बढ़कर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। लेकिन सवाल यह भी है कि कहा तो यह भी गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, कहा तो यह भी गया था कि स्विस बैंक आएगा, और कहा यह भी गया था कि बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, कहा यह भी गया था किसानों की आय दोगुनी होने के ही ताल्लुक में कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करेंगे। तो अब चुनावी माहौल है और बड़ा कमाल का माहौल है, जिसमें सवाल पूछना अगर चाहते हैं आप तो ये सबसे मुफीद वक्त है कि सवाल पूछिए, क्योंकि नेताओं को इस वक्त पर सबसे ज्यादा शिद्दत से वोटर की और जनता की याद आती है। तो मैं बयान आपको सुनाती हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। दुर्भाग्य से आज हमारे देश में ऐसे नेता सत्ता में विराजमान हैं। मोदी जी खुद को महान मानकर देश और लोकतंत्र की मर्यादा का छिहारन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, भाजपा में शामिल कराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ये तो तानाशाही है, और हम सब इस तानाशाही का जवाब देंगे।
तो गारंटी वर्सेस गारंटी ताल ठोकी जानी शुरू हो गई है। क्या है आज का सबसे बड़ा सवाल, मैं अपने दर्शकों के सामने रखती हूं। 24 में 25 गारंटी वाला दांव जिता पाएगा चुनाव? और सब पर भारी पड़ेगी मोदी की गारंटी। और जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं परिचय करा देती हूं आपसे। मेरे साथ प्रेम शुक्ला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र राजपूत आज स्टूडियो में पहली मर्तबा सबसे बड़ा सवाल में मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। घनश्याम तिवारी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। दिनेश वाशने, प्रोफेसर दिनेश वाशने मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं CPI के, लेफ्ट पार्टी से। AK वाजपेयी स्टूडियो में है, मुख्य प्रवक्ता है LJP-R के, सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं, पेशे से वकील हैं, दांव पेंच राजनीति के भी जानते हैं। और मेरे साथ स्टूडियो में ही वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सुरेंद्र राजपूत आज अंडर द डॉक आप हैं, ये 5 न्याय और 25 गारंटी 2024 का चुनाव, ये कितनी उम्मीद और कितना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को कि 25 गारंटी आपकी चुनावी वैतरणी पार कर ले जाएंगी 2024? बहुत शुक्रिया गर्मा जी। लोग कहते हैं ना कि हम तो जो बात करते हैं आज तक प्रूव्ड इतिहास के साथ बात करते हैं। हमने पिछली बार गारंटी दी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन लाएंगे लाए, राइट टू फूड लाएंगे लाए, राइट टू एजुकेशन लाएंगे लाए, मनरेगा कहा था लाए, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान करने थे किए, हरित क्रांति लानी थी लाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिन बैंकों को इन्होंने बेच दिया उन बैंकों का नेशनलाइजेशन करना था किया, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की, हमने जो है परमाणु विखंडन किया, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, हमने पंचायती राज की गारंटी दी थी राजीव गांधी जी के समय में, वो गारंटी पूरी करी, हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी, हमने कहा था कि महिलाओं को उनका वोट का अधिकार देंगे तो अंग्रेजों से पहले दिया, हमने जो है सारी गारंटियां जब जब कहा, हमने अतीत की बात पर भविष्य का निर्माण किया। उसके बावजूद सुरेंद्र जी 2019 में आपने कहा था 72,000 रुपए किसानों को देंगे सालाना, जनता ने नकार दिया। आपने मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में रोजगार की बात की, सिलेंडर की बात की, नौकरियों की बात की, महिलाओं की बात की, लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों ने खारिज कर दिया। तो ये गारंटी कैसे हुई चुनाव जीतने की गारंटी 2024 में? अगर हम अपने घोषणा पत्र पर बात करते हैं और हम चुनाव हार जाते हैं तो क्या घोषणा पत्र लाना बंद कर दें या बातें करनी बंद कर दें, या हम पहले चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं, चुनाव हारने के बाद हम दुगनी शक्ति से लड़ते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उन कमियों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने तो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में देने वाले, हमने महिलाओं को गारंटी करी थी कि 3,000 रुपए देंगे तो वो हम देने लग गए हैं कर्नाटका में, हमने कहा था 1,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप देंगे, दे रहे हैं, हमारे पास प्रूव्ड इतिहास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो चीजें चलती हैं, कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कुल मिलाकर के कुल जमा पूंजी झूठ की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा था नोटबंदी करेंगे, लेकिन उन्होंने नोटबंदी करी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह जरूर कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी दिए हो तो आप बता दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में सबको मकान दे देंगे, ठीक है अगर आपके सामने है, अगर किसी को दे दिए हो तो आप बता दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसान का कर्ज और किसान का खर्च आधा करेंगे, किसान की आय दूनी करेंगे, किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना कर दिया, किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई, 800 किसान मर गए थे अभी आंदोलन में, अभी भी किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, राजपुरा में बैठे हुए हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया से किसान को गायब कर दिया गया। नहीं, मैं ये पूछ रही हूं सुरेंद्र जी आपसे, आपने कहा आप 1,00,000 रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, अगर फर्ज कीजिए 25 करोड़ महिलाएं हैं इस देश में गरीब, हो सकता है आंकड़ा इससे ज्यादा हो, मोटा मोटी 25 करोड़ महिलाएं भी अगर हैं तो 25,00,000 करोड़ रुपए आप सिर्फ महिलाओं को देने में खर्च करेंगे।
आपको, और मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते। दो तीन चीजें, कहां से पैसा लाएंगे आप? पहली बात तो आप सब लोग पहले या तो आप बीपीएल कार्ड की या जो अंत्योदय कार्ड की या क्या नाम पीले कार्ड की जो हम लोगों की आम भाषा में होता है उनको पहले जान लीजिए, तो उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको आएगा कि हाँ इतनी महिलाएं, नंबर एक। नंबर दो, जैसे कर्नाटक में भी आपने हमसे यही सवाल पूछा था कि साहब कैसे आप महिलाओं को दे देंगे, तो कर्नाटक का कितना कर्ज है? एक मिनट, कितना है कर्नाटक का जो कर्ज है? वो टॉप 5 में शुमार है, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल। आपको मालूम है मध्य प्रदेश पर कितना कर्ज है? आपको मालूम है? ये तो फिर सुरेंद्र जी, ये तो गोटी खेलने वाले, टोपी ट्रांसफर गेम में नहीं जाना है ना। हम टोपी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये जो कहना चाहता हूँ, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, हमने कर्नाटक में क्या किया? हमने कर्नाटक में 40% की जो साइफनिंग थी, चंदा दो धंधा लो, वो बंद कर दी। वो जो 40% की जो साइफनिंग इन लोगों ने अपने गवर्नमेंट के पैसे से ये लोग बेईमानी करते थे ना, उसी तरीके से मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब 15 लाख करोड़ रुपए एक साथ किसानों के तो माफ नहीं किए जाते, 76,000 करोड़ भी, और जब 15 लाख करोड़ क्रोनी कैपिटलिस्टों के माफ किए जाते हैं, तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्रोनी कैपिटलिस्टों के एक तरफ माफ हो रहे हैं, गरीब महिलाओं को नहीं मिल सकते क्या वो पैसे? क्यों नहीं मिल सकते? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री हमारे पास था और नरेंद्र मोदी जी जैसे अनर्थशास्त्री नहीं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, मैं सिर्फ 25 लाख करोड़ का जिक्र नहीं कर रही, ये तो 25 करोड़ वो महिलाएं, जो मैं फर्ज कर रही हूं कि 25 लाख करोड़ तो उन्हें देने पड़ेंगे। आप C2+50% भी लागू करेंगे जिसका भी बजट तकरीबन 10 लाख करोड़ का बैठता है। हाँ, यही तो ये भारतीय जनता पार्टी का वितंडावाद है। झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, क्योंकि किसान से इनको वोट तो चाहिए, लेकिन नोट इनको क्रोनी कैपिटलिस्टों से चाहिए, नोट इनको अडानी से चाहिए, इसलिए अडानी के सेलर्स लग जाएं, इसके लिए ये लोग ऐसा झूठ बोलते हैं। हमने कब कहा कि आप खरीद करिए? हमने तो कहा जो मार्केट में लोग हैं, जो लोग भी खरीदें वो इस दाम से कम ना खरीदें, एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, मैक्सिमम क्या नाम जो प्राइस है वो एमएसपी। तो ये 10 साल बाद समझ में आ गया ना सुरेंद्र जी, 10 साल सत्ता से बाहर रहे और समझ में आ गया कि C2+50% लागू हो सकता है। हाँ, तो कैसे लागू हो सकता? हाँ, आ गया, गलती करी हमने। उसके पहले 55 बरस रहे, समझ में नहीं आया तो सत्ता के, सत्ता से बेदखली समझा देते। मसला क्या होता है गरिमा जी? समस्या ये होती है कि जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे लिए छिद्रान्वेषण ऐसे होता है जैसे आप हमसे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ रही, और जब भाजपा से आप लोग सवाल पूछते हैं, पिछले 10 साल का नहीं पूछते, पंडित जी भी बैठे हुए हैं, ये मुझे कह रहे हैं आपसे। हाँ, ये मुझे कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सबसे कह रहा हूं। तो अब आपसे भाजपा सवाल पूछेंगे जैसे राम क्या थे, RAM, सीता का स्पेलिंग क्या, SITA, लेकिन चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग इनसे नहीं पूछने वाले आप। मैं आपको एक चीज कहता हूं, हमने प्रूव्ड इतिहास के साथ 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट कराया, ये ऐतिहासिक सच है। पहला बजट ऐतिहासिक सच ये भी है ना सुरेंद्र जी कि आपके समय पर 11वीं अर्थव्यवस्था था भारत, किसने अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है? किसने कहा आपसे? मैं कह रही हूँ आपसे, आप एक काम करिए, अथॉरिटी से कह रही हूँ, हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे ना 2013 में। हाँ, आप एक काम करिए, 2011-2013 में अर्थव्यवस्था कंजम्पशन के हिसाब से कर रही है, साइज के हिसाब से कर रही है, किस चीज के हिसाब से? कंजम्पशन में अर्थव्यवस्था हमारी 3री थी कंजम्पशन में। नहीं, अब ये अभी आइए ना, फिर अब देखिए एक चीज सुन, अभी हम तकरीबन 3.7, अभी हम 3.7 बिलियन डॉलर की बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, इकोनॉमी पर हैं, बहुत शुक्रिया। उस समय हम 2.1 या 2.5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर थे ना। बहुत शुक्रिया गरिमा जी, एक्चुअल में हमने 780 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी ली थी नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से, 780 बिलियन डॉलर की, उसको हमने 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके नरेंद्र मोदी जी को दिया, और आज नरेंद्र 10 साल में हमने 780 बिलियन डॉलर को 2.3 ट्रिलियन डॉलर करके दिया। आज नरेंद्र मोदी जी उस 2.3 ट्रिलियन डॉलर को 3.3 या 3.4 ट्रिलियन डॉलर कर पाए हैं, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर 10 साल में बढ़ा पाए हैं। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हमारी पर कैपिटल इनकम जो है बांग्लादेश से नीचे है, तो आज की डेट में हम 142वें नंबर पर कैपिटल इनकम में है। हाँ। कंजम्पशन हमारा खत्म हो रहा है, हमारे हमारे जो बैंक में सरप्लस थे, जो हम सारी चीजें आपने अभी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ में कही, वही कह रही हूँ ना आपसे कि जनता ने खारिज कर दिया, कर दिया ना, तो इसका मतलब हम चुनाव ना लड़े,
हम बात ना करें, हम विश्वास ना दिलाएं लोगों को, हम ये ना बताएं कि नरेंद्र मोदी जी अनर्थ शास्त्री हैं, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्ज दुगना किया है, खर्च चौगुना किया है, हम ये ना बताएं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी की गारंटी दी है नरेंद्र मोदी जी ने, हम ये ना बताएं कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों ने 2 करोड़ पेपर लीक कराए हैं, हम ये ना बताएं तो लोगों को। सुरेंद्र जी, फिर मैं राजस्थान पर बताऊंगी आपको कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए, राजस्थान में जहां 5 साल सरकार चलाई आपने, वहां बेरोजगारी दर देश में टॉप मोस्ट 2 पर थी, आप नंबर 1 के बाद 2 पर खड़े थे हरियाणा के बाद। जहां हमारी सरकार नहीं वहां पर भी आप हमारे नाम पर गिना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चलाई आपने, उस पर भी जवाब दे देते हैं। देखिए, बेरोजगारी राज्य की समस्या नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है, एक चीज को जानिए। तो हरियाणा को क्यों घेरते हैं फिर आप? 30 लाख हम पूरे राष्ट्र को घेरते हैं जिसमें सब आते हैं, 30 लाख पद केंद्र सरकार सहित खाली पड़े हैं, हम गारंटी कर रहे हैं कि 30 लाख पदों को एक साल में भरेंगे, आप बात समझिए। 30 लाख पद नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने क्या नाम आसन के नीचे रख करके बैठी हुई है पिछले 10 सालों से, 7 लाख पद इन्होंने दिए हैं ऑफिशियली, और उन 10 सालों में आप 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, ऐतिहासिक हार का स्वाद चख चुके। गरिमा जी, हम हार गए, हम हाँ। तो कह रहे हैं कि हम हार गए, हारने का मतलब ये थोड़ी है कि लोगों को अच्छा वो मिल गया, हमारा विकल्प ने जिस गारंटियों की बात करी थी अगर वो दिया हो तो बताइए। आप कहते हम कहते हैं रोजगार, वो कहते हैं हमने मंदिर, अरे मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, हम कहते हैं रोजगार तो कहते हैं 3 तलाक बंद कर दिए, अरे भाई 3 तलाक एक सामाजिक इशू है, सुरेंद्र जी दीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो दिवालियापन की गारंटी है देश को, 25 लाख करोड़ एक दे दिया आपने, फिर किसानों के लिए जो लागू करेंगे उसमें भी पैसा लगेगा, ये तो आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ऐसा है कि आप जब बात करते हैं इस समय अर्थशास्त्रियों से, तो जितने अनर्थशास्त्री हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सेंटर टू राइट में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं भारत माँ का कोई कुपूत, कोई भी इस देश को बर्बाद करने के लिए काम नहीं कर सकता। एक चीज जान लीजिए, इस देश में असीम संभावना है। आप आज की डेट में 634वें नंबर के उद्योगपति को दूसरे नंबर का उद्योगपति लाने के लिए उसको सारे संसाधन दे दे रही हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था या पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आज की डेट में आप एक अडानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज की डेट में एक अडानी क्या नाम डिप हो जाए तो आप यकीन करिए हमारी 12वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि घर घर में अडानी पैदा होना चाहिए, लेकिन घर घर में अडानी पैदा तो देश के संसाधनों पर समान विकास हो, निवेश करें जरूरी है। वो अडानी राजस्थान में निवेश करें, तेलंगाना में निवेश करें, कर्नाटका में निवेश करें तो ठीक रहता है। अडानी के हम अडानी के खिलाफ नहीं है, हम अडानी के जो पीछे लोग हैं जो अडानी को विश्व स्तरीय बना करके क्रोनी कैपिटलिस्टों को यहाँ लाना चाहते हैं उस सोच के खिलाफ है। ठीक है, हम तो कहते हैं पूरे देश में प्रेम शुक्ला जी हर घर में अडानी निकले। ठीक है सुरेंद्र, प्रेम शुक्ला जी, मैं जब गारंटियों की बात करती हूं और ये कहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोगों ने गारंटी पर भरोसा किया, राजस्थान जिताया, छत्तीसगढ़ जिताया और मध्य प्रदेश जिताया, तो मैं ये सवाल क्यों ना पूछूं आपसे कि काला धन वापस नहीं आया स्विस बैंक से जो आने वाला था, नोटबंदी को लेकर जितने दावे थे वो फेल रहे आपके, आपने गारंटीज पूरी की, CAA, राम मंदिर, 370, 3 तलाक, जिसका ना बेरोजगारी से लेना देना, ना महंगाई से लेना देना, ना युवाओं से, ना महिला से, ना किसानों से, ना गरीबों से। हो गया आपका प्रश्न तो मैं उत्तर प्रारंभ करूं। प्रेम जी, और कुछ पूछना है? प्रेम शुक्ला जी जी, धन्यवाद। देखिए, आप बेरोजगारी से मैं शुरू करता हूं। 1991 में लिबरलाइजेशन के बाद 2014 तक NSSO का डाटा है कि 6.5 करोड़ लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में टोटल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जिसमें 6 वर्ष आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी थे, जिसमें जो है अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर सर्वाधिक थी। कांग्रेस जब छोड़कर गई थी और देवेगौड़ा की सरकार और गुजराल की सरकार जब छोड़ के गई थी तो 6.2 जो है ग्रोथ रेट था। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जब इनको सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह को देकर गए तो 8.5% का जो है अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट था। उस काल में सिर्फ 6.5 करोड़, सिर्फ 2021-22 और 22-23 में 3.9 करोड़ लोगों को EPFO का आंकड़ा है कि रोजगार
ऑर्गेनाइज सेक्टर में 3.9 करोड़ सिर्फ दो वर्षों में और 13 करोड़ ईपीएफओ के अकाउंट 2014 से 2024 के बीच में नए आए, तो ये 13 करोड़ ईपीएफओ में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है अपने एम्प्लॉय का बिना किसी को एम्प्लॉयमेंट दिए करता होगा ये कांग्रेस कह सकती है, बाकी संसार में और कोई नहीं कह सकता। 8 करोड़ नए मुद्रा लोन, जो पहली बार जिसको लोन मिला है, 8 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन पहली बार दिया गया, तो निश्चित तौर पर एक रोजगार एक मुद्रा लोन पर निश्चित तौर पर सृजित हुआ होगा। शेष रोजगार की मैं बात ही नहीं करता, तो हमने रोजगार दिया है, महंगाई की बात कर रही है। जब जो है श्रीमान डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे सरकार में, 2004 का कांग्रेस का घोषणा पत्र उठाकर देख लीजिएगा, 100 दिन में महंगाई कम करने की गारंटी दी गई थी। पहले 1991 में श्रीमान राजीव गांधी ने दी, खैर उनकी असामयिक मृत्यु हो गई, नरसिंह राव की सरकार आई, पूरे 5 वर्षों में कोई महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया गया। अगली बार फिर श्रीमती सोनिया गांधी ने 2004 में दिया और 2004 से 14 का इन्फ्लेशन रेट एवरेज 10% था, तो महंगाई को कितना अच्छा नियंत्रित किया आप जान ही रही है। और 2014 से 24 के बीच में एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो है 5% है, जबकि कोरोना का भयंकर काल भी जो है पूरी दुनिया ने महामारी का ऐसा भयंकर काल नहीं देखा। प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस की तुलना प्रेम शुक्ला जी, हाँ, ये जो गणित आंकड़ों के जरिए आप समझा रहे हैं, पहले तो ईपीएफओ का डेटा मैं आपको बता दूं, अगर रोजगार, सुन लीजिए, ईपीएफओ में रजिस्ट्रेशन बढ़ने का मतलब रोजगार मिलना नहीं होता सर। ईपीएफओ में अच्छा मैं गणित समझा देती हूँ आपको। ईपीएफओ में कोई भी कंपनी में अगर 19 लोग काम कर रहे हैं वो ईपीएफओ में रजिस्टर नहीं होती। जैसे ही उस कंपनी में 20 लोग काम करना शुरू करते हैं, यानी कि एक आदमी को रोजगार मिला, 19 से 20 हुआ, ईपीएफओ में रजिस्टर हुआ, टोटल जुड़ गए 20 लोग। 19 नहीं जुड़ रहे थे, 20 लोग जुड़ गए, मात्र एक को रोजगार मिला। और मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, इसका मतलब है कि रोजगार बढ़ा, 19 का 20 हुआ तो रोजगार बढ़ा निश्चित हो गया। जिसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं था, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, उसको ईपीएफओ भरने लगे, उसको एम्प्लॉइज का बेनिफिट मिलने लगा, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गया, तो स्वीकार रही हैं आप। तो फिर ये ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट लोगों की फौज है 42%, प्रेम शुक्ला, ग्रेजुएटेड है हमारे देश में जी 42%, हाँ, ग्रेजुएट हाँ, लोग जो बेरोजगार हैं और 25 साल से कम उम्र के हैं, ये बेरोजगारों की ये आंकड़ा कहां से लाया जरा मैं जान लूं। अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी, कहां से आंकड़ा लाया गया जरा मैं जान लूं। आप ही के देश की यूनिवर्सिटी है, तो एक यूनिवर्सिटी के आंकड़े से बिल्कुल नहीं है ये। भारत में जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो 3.8% है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कुछ भी कोई भी एक सर्वे करके ले आए, आप उसको स्वीकार ना, आपके एनएसएसओ का डेटा है ना 3.8%। इस देश में एक बहुत सारे और ट्रस्ट है, उसको ना माने हम, एक यूनिवर्सिटी को मान लो, एनएसएसओ को ना माने, नहीं न्यूज 24 की श्रीमती गरिमा सिंह, प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, एनएसएसओ का आंकड़ा ना माने, उत्तर प्रदेश में डेटा ना स्वीकार निकला, एक यूनिवर्सिटी का स्वीकार लीजिए ना सर, उत्तर प्रदेश में। अच्छा चलिए मैं दूसरे मुद्दे पर आती हूँ, उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती होनी थी, तो सिर्फ सुन लेता हूँ, कांस्टेबल भर्ती होनी थी, 60,000 वैकेंसी थी, उत्तर नहीं देता, 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, कहाँ से आए 48 लाख बेरोजगार लोग। अब एंकर डेविएट हो रही है, अब एंकर डेविएट होती है, ऐसा है इस देश में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण का भाव है, बहुत सारे देशों में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण का भाव है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, एक मुझे सरकारी नौकरी का ऑफर मिला, मैं सरकारी नौकरी करना चाहता हूं, इसका अर्थ नहीं कि मैं बेरोजगार हूं। इस देश में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण है, यह सत्य है। इसका मतलब नहीं कि जो लोग सरकारी नौकरी मांगने जा रहे हैं वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। यह तथ्य न्यूज 24 कैसे इस तथ्य पर पहुंचता है ये न्यूज 24 बता सकता है? बता देती हूँ सर, ये बेरोजगारी दर पीएलएफएस के हिसाब से तय होती है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से तय होती है। और बेरोजगारी दर का मतलब क्या है जी? बेरोजगारी दर का मतलब ये नहीं कि जो आदमी 10,000 रुपए महीना की नौकरी कर रहा है वो 20,000 रुपए महीना की ढूंढ रहा है तो वो बेरोजगार है। बेरोजगारी दर का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को एक हफ्ते में एक घंटे का भी रोजगार ना मिला हो उसे बेरोजगार कहते हैं। और वो बेरोजगार हमारे देश में ग्रेजुएट पढ़े हुए, ग्रेजुएशन किए हुए 42% लोग हैं। 42% यूनिवर्सिटी का आंकड़ा बता रही है ना, मैं तो एनएसएसओ का आंकड़ा बता रहा, तो मैं तो आप ही के यूपी का आंकड़ा भी बता रही हूँ, 60,000 लोगों का आवेदन निकलता है, 48 लाख सरकारी नौकरी आप बता रही है,
ये सरकारी नौकरी के संदर्भ में मुद्रा लोन का भी बता देते हो फिर आपको, जिस मुद्रा लोन की ताल ठोक रहे हैं आप, 80% मुद्रा लोन, 80% मुद्रा लोन बता रही हूँ सर, 85% मुद्रा लोन मिला है 50,000 तक का, जो शिशु लोन है 50,000 में कट के मिलता है लगभग 35,000। अब 35,000 में कौन सा रोजगार कराएंगे आप प्रेम शुक्ला? 8 करोड़ लोगों को नया पहली बार रोजगार मिला जिनको 1 लाख से अधिक का लोन है, ये भी सबके सामने है, ये भी एक आंकड़ा है। तो और कृपा करके मुझे बता दीजिए, अभी गारंटी की गारंटी चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी श्रीमान राजपूत जी की तरफ से। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव साल भर पहले हुए हैं, 1,500 रुपए 18 वर्ष से अधिक की हर महिला को देना इन्होंने सुनिश्चित किया था। एक खाता बता दे जिसमें 1,500 रुपए गया हो। 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देने वाले थे। एक घर बता दे जिसको 300 यूनिट बिजली हिमाचल प्रदेश में मुफ्त मिल गई हो। सर आपने किसानों की आय दोगुनी कर दी तो इस तरह की है ना? प्रेम शुक्ला, किसानों की लगभग हमने डेढ़ गुनी पौने दोगुनी कर दी। और MS स्वामीनाथन स्वयं, जिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह नाम के अर्थशास्त्री ने दबा के रखा था, उस MS स्वामीनाथन ने अपने आर्टिकल में स्वयं कहा कि मेरे रिपोर्ट की 80% सिफारिशों को लागू करने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार सफल रही। नहीं, मैं उस पर 20% और हम लागू कर देंगे। उस पर नहीं आऊंगी, मुझे बता दीजिए किसानों की आय दोगुनी हो गई क्या प्रेम शुक्ला? बड़ा सीधा सवाल है। मैंने कहा डेढ़ गुनी हो गई। कैसे हो गई बताइए? डेढ़ गुनी हो गई, दोगुनी हो जाएगी बताइए ना कैसे? डेढ़ गुनी हुई सिर्फ जो है, हम तो MSP ही हमने जो है अधिकांश का और जो हमने खरीद जो MSP पे उसकी 2016 में मेरे 2016 में फिर आप आंकड़ों पर जाएंगे तो आंकड़े सुन लीजिए। 2016 में किसान की औसत आमदनी 8,036 रुपए थी। 2016 में जिस समय आपने ये वादा किया था किसानों की आय दोगुनी करने का, उस समय इस देश के किसान की औसत आमदनी महीनावार 8,036 रुपए थी और इस समय 10,078 रुपए है। आप ही ने संसदीय समिति बनाई, अपने ही सांसद की अध्यक्षता में बनाई, पीसी गद्दी गौदर उस समिति के अध्यक्ष बने और उन्होंने कहा, रिपोर्ट अपनी सौंपी और कहा कि हम इस टारगेट से अभी कोसों दूर हैं। 16,000 रुपए महीना होनी थी दोगुनी के लिहाज से, 10,078 रुपए है जी। सिर्फ देखिए, अब सिर्फ देखिए किस तरह से करते हैं। ये तो जब किसान बेचारे खाद मांगने जाते थे, कांग्रेस के कार्यकाल में गोली मार दी जाती थी, तो खाद वहां बाजार से बिजली से उस बीज से लेकर बाजार तक हमने किसान को सशक्त करने का कार्य किया है। हमने किसान को जो है MSP पर खरीद जो है, गेहूं की खरीद जो है तिगुनी कर दी है, हमने धान की खरीद बढ़ा दी है, हमने जो है MSP किसी भी एक अनाज की MSP पकड़े डेढ़ी दोगुनी हमारी MSP अधिकांश 2014-2024 जिस चीज की आप देखें हमने MSP बढ़ा दी है। ये तो ये कहते हैं किसान की आय सिर्फ जो है 23 रुपए प्रतिदिन है, जब 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दी जाती है। नहीं, ये तो प्रेम शुक्ला लोगों को दिया जाता है। मैं तो छोड़ देती हूँ ना कांग्रेस, कांग्रेस ही रोज कहते हैं कांग्रेस की राजनीति को, मैं कांग्रेस की राजनीति का पर्चा में एक तरफ ने कहा किसानों की हालत खराब है। संकट यही है, आपका संकट यही है कि आपने तय कर लिया है कि मुझे प्रवक्ता के बोला मुझे क्या किया करिए, एक तो उत्तर पहले दे दिया करिए भाई, आके बोल दिया करो। शुक्ला जी सवाल बहस को बुलाती हैं आप, सवाल परेशान नहीं लग रहा है। मैं उत्तर दे रहा हूँ, उत्तर देने नहीं दे रही है। मैं आपको जो मेरी बात पूरी तो करने दूंगी, उत्तर देने का अवसर तो देंगी आप। हाँ तो मैंने नहीं कहा दोगुनी होगी, मैंने कहा डेढ़ गुनी हुई है, दोगुनी की तरफ जा रही है, ये मैंने कहा। मैंने दोगुनी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। कृपा करके आप उलट, गारंटी पूरी नहीं हुई ना सर, गारंटी पूरी नहीं हुई ना प्रेम शुक्ला, ये तो मान लीजिए गारंटी की दिशा में। अरे भाई गरिमा जी, रोटी कपड़ा और मकान महात्मा गांधी देने वाले थे, आप मुझे पता लगा के बता दीजिए कांग्रेस के कार्यकाल में कितने लोगों को मकान मिला। ठीक है प्रेम, कितने लोगों को मकान मिला? मैं 4 करोड़ मकान जो है, अभी राजपूत जी कह रहे थे कि एक मकान नहीं मिला, 4 करोड़ मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में इस देश के गरीबों को 2014 से 24 के बीच मिला 4 करोड़। आवास योजना में कितना मकान मिला? एक वाजपेयी मुद्दों पर बात होनी चाहिए क्या? एक वाजपेयी मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, किसान पर, गरीबों पर, महिलाओं पर बात होनी चाहिए। एक वाजपेयी आंकड़े दोनों पक्षों ने बताए, राजपूत साहब ने बताया, उन्होंने बताया, आंकड़ों की बात नहीं करेंगे हम।
हम ये बात करेंगे क्या देश की जनता के दिलों से मोदी को ये वादे निकाल पाएंगे। सवाल ये है जी, देश की जनता के अंदर जो दिल है उसमें मोदी जी घुसे हुए हैं, और मोदी जी इसलिए घुसे हुए हैं क्योंकि 10 साल में जो काम किए हैं, चाहे किसान छोटे किसान के लिए हैं, उनको 2,80,000 करोड़ रुपए जा चुके हैं। बड़ा भारी भरकम आंकड़ा, 2,80,000 करोड़ वाजपेयी 500 रुपए महीना जाता है। तभी शुक्ला जी बोल रहे हैं आप, वैसे तभी शुक्ला जी ठीक बोलते हैं, तभी शुक्ला जी ठीक बोल रहे हैं। क्या आप बोलने सवालों में फंसेंगे? नहीं, सवाल पूछो, सवाल पूछ, सवाल कहिए और जवाब दीजिए प्लीज। आपने 2,80,000 करोड़ का आंकड़ा बता दिया, मैं कह रही हूं 500 रुपए महीना। किसको? किसान को, छोटे किसान को। अरे फर्क है उसमें, बहुत बड़ा फर्क है। किसान तो यहाँ 50 एकड़ वाले भी किसान बैठे हुए हैं जो एग्जम्पशन लेते हैं इनकम टैक्स का। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं छोटे किसान के लिए। उसको 500 रुपए जब जाते हैं ना महीने के, तो कुछ तो मदद मिलती है उसको, कुछ तो। यस कुछ के मुंह में जीरा भी मिलता है तो ठीक है। बिल्कुल, महिलाओं के लिए आ जाइए, महिलाओं को सिलेंडर दिए, शौचालय बना के दिए। काम तो मैं कितनी गिनाऊंगा, काम तो सब गिनाते ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि इनके जो वादे हैं, इन वादों, इनका तो राज था ना 7 साल रोजगार क्यों नहीं दिया? एक सेकंड, छोटा सा सवाल लीजिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ, आप फर्ज कीजिए, आप एक वोटर है और गरीब वोटर है, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए आपको वो ज्यादा बेहतर लगेगा, या आपको 5 किलो अनाज की खैरात पकड़ा दी जाए वो ज्यादा बेहतर? बहुत बढ़िया बात है। कोरोना काल में अगर हमने भोजन की व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति, कोई परिवार भूखा न सोए, तो कोई गुनाह किया क्या? गुजर गया कोरोना, एक सेकंड, 2029 तक कोरोना नहीं चलेगा ना। अगर 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तो कोई गुनाह कर दिया क्या? भोजन अगर हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़कर ना सुनाए के बाद, नहीं वरिष्ठ वकील नहीं, आप मेरी बात सुनिए। अगर आपको सुनना है तो हम आगे चले, नहीं तो फायदा कुछ नहीं। हम ये कह रहे हैं कि जो इस सरकार की नीयत पाक साफ है, और इस सरकार ने समाज के हर वर्ग के लिए 10 सालों में काम किया है, और उसका सबूत है बार बार रिपीट होना। तो अभी एक बात, और तेलंगाना क्यों हार जाते हैं फिर आप? स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, असेंबलीज की अभी बात, लोकसभा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, अभी हमने 3 राज्य जीते भी हैं। मैं अगर सवाल पूछूंगी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पे सुरेंद्र राजपूत को अंडरडॉग खड़ा करूंगी, ठीक है? तो उसका जवाब हमने दिया कि लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, अभी 543 सीट की बात कर रहे हैं, और 400 के पार का नारा दिया हुआ बाकायदा विद कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस जब है तो ये 10 साल का, एक सेकंड इनका रिकॉर्ड जरा देख लें, जिन्होंने 60 साल राज किया। नहीं, ये अभी जनता के दिल से निकला नहीं है, वो नहीं निकला। क्या नहीं निकला? इमरजेंसी नहीं निकली जब 5,000 पत्रकार जेल में पड़े थे। सिखों का नरसंहार नहीं निकला जब सड़कों पे सिखों को मारा गया ट्रक से उतार उतार के, मिट्टी का तेल जला के, कोई भूल जाएगा क्या? आप बताइए मुझे, कोई भूलेगा? ये भूलने वाली बात है। नसबंदी, एक सेकंड, एक और बोलूंगा सिर्फ। नसबंदी होती थी युवाओं की, संजय गांधी हुआ करते थे, उनकी माता श्री प्राइम मिनिस्टर थी, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5 केस महीने में लाके देने हैं नसबंदी के। ना उसमें देखा जवान है, ना उसमें देखा अधेड़ है, कोई भी है, टारगेट बनाने के लिए जबरदस्ती नसबंदियां की जाती है। आप 2002 भूल जाते हैं। 2002 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा क्लीन चिट दी है, माफ करना, बकायदा क्लीन चिट मिली है इनको, क्लीन चिट मिली है। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पहले शख्स थे जिन्होंने इस्तीफा दिया ना, इस्तीफा, नाराज हुए ना। लेकिन उसके बाद जब करेक्ट तथ्य आए, जब उनको क्लीन चिट मिली, तो उन्होंने तथ्यों को जांचा और उसके बाद डिसीजन को विथड्रॉ किया। ये बड़ा पॉलिटिकल कन्वीनियंस है के बाद। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि मोदी को दिलों से कैसे निकालोगे, निकालना ये इम्पोर्टेंट है। ये वादे नहीं निकाल सकते। ये जो इनके वादे, जो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें ऐसा क्या है जो मोदी को कम्पीट कर लेंगे, ये या जनता इनकी बातों पर विश्वास कर लेगी? ये है इम्पोर्टेंट। घनश्याम तिवारी, आप आपस में लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी उधर कह रहे हैं भाई 8 सीटों पर आपके कैंडिडेट्स में इतना कंफ्यूजन है, इंडिया गठबंधन में जबरदस्त सिर फुटवल है, आपस में लड़ेंगे या सत्ता पक्ष से लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे? नमस्कार गरिया जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, गारंटी से हमने शुरुआत की थी तो गारंटी पे रहते हैं, और प्रेम शुक्ला जी की सारी बातें मान लेते हैं। इनकी सरकार कहती है 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं,
इसका मतलब लगभग एक परिवार में 26 करोड़ परिवार हैं इस देश में, एक परिवार में दो मुद्रा लोन। मैं आपके चैनल से कह रहा हूं, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में अगर किसी को मुद्रा लोन मिला हो तो आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मोदी जी की गारंटी पूरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता वित्त मंत्री के पति परकला प्रभाकर ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, उसी तरीके से जो जो बातें सामने आएंगी, चाहे वो पीएम केयर फंड हो या मुद्रा लोन हो, ये घोटाले हैं। सवाल ये, घोटाले किससे किए गए और घोटाले की गारंटी की किसने दी? इस देश में जहां काला धन स्विस बैंक से लाना था, वहां SBI अगर सुप्रीम कोर्ट में कहती और फटकार खाती है कि हम अपने ही बैंक का आंकड़ा आपको नहीं दे सकते, जब सुप्रीम कोर्ट उसे कहती है तो 36 घंटे में वो आंकड़े आ जाते हैं। स्विस बैंक से लाने वाले लोग SBI को स्विस बैंक ऑफ इंडिया बना देते हैं, ये घोटाला किसने किया? लेकिन AK वाजपेयी कह रहे घनश्याम तिवारी, मोदी को लोगों के दिलों से आप कैसे निकालेंगे? 81 करोड़ 35 लाख तो लाभार्थी है उनके पास। मैं तो खुले मन से कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला चंदा लो धंधा दो घोटाला नहीं है, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके बच्चे को पिछले 10 साल में, आपके मोहल्ले में किसी बच्चे को पिछले 10 साल में रोजगार मिला हो, और जो आंकड़े फर्जी आंकड़े आप स्टेट बैंक का 2023 का रिपोर्ट है उसे देखिए, और तब आपको ये आश्चर्य होगा कि सरकारी संस्थाओं में और प्राइवेट संस्थाओं में पृष्ठ 41 में लिखा हुआ है 2014-15 में लगभग 4.80 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे। आज उस रिपोर्ट के हिसाब से उससे कम 4.60 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, जिसके 10 साल की कारगुजारी स्टेट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता हो कि किस तरीके से 20 लाख रोजगार कम हुए हैं। झूठ कितना भी बोलें, सच क्या है? अगर आपके घर परिवार में किसी को मुद्रा लोन दिया हो, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। अगर आपके बच्चों को रोजगार मिला हो या आपको लगता हो कि इनके चलते आपको रोजगार मिल सकता है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। हाँ। अगर आपको लगता हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा दो धंधा लो का गेम, जिसमें वित्त मंत्री जी ने मीडिया के मंच से कहा कि ऑल आर वेलकम इन भारतीय जनता पार्टी, आप देशद्रोही हो, गद्दार हो, आपकी दवा का ड्रग फेल का रिपोर्ट फेल हो गया हो, भारतीय जनता पार्टी को पैसा दीजिए। लेकिन घनश्याम तिवारी, आपका भी फेलियर है ना, एक मोमेंटम बना और लगा पहली बार 2024 में कि इस बार बढ़िया चुनाव लड़ा जाएगा, कम से कम तो चुनाव दिलचस्प होगा, जीत जिसकी हो, हार जिसकी हो, रिगार्डलेस ऑफ द थिंग। जम्मू कश्मीर में आप बिखर गए, पंजाब में आप एक तरफा हो गए, बंगाल में आप एक तरफा हो गए, महाराष्ट्र में अभी तक चल रहा है, ये तो आपकी लड़ाई थी, मिलकर लड़नी थी आपको। हम इस बात पे हैं कि गारंटी, मोदी जी की गारंटी और देश की गारंटी। देश को क्या गारंटी चाहिए कि एक सरकार जो 10 साल तक हर एक को धोखा देती है, हाँ। ये जो युवाओं के भविष्य के साथ घोटाला हुआ है उसे रोकना देश को गारंटी चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी भी मंच पे कहेंगे कि मैं रोजगार दूंगा? कह नहीं सकते, हिम्मत नहीं है। अच्छा। क्योंकि 2 करोड़ का जो धोखा दिया था वो जनता को याद है। क्या नरेंद्र मोदी जी किसी मंच पे कहेंगे कि मैं किसानों को MSP दूंगा? हिम्मत नहीं है कहने की, क्योंकि किसानों के ऊपर तो गोलियां चलाई है, ड्रोन से फायरिंग की है। क्या नरेंद्र मोदी जी कहेंगे कि किसानों की आय दोगुनी होगी या किसी को घर मिलेगा? हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने चंदा लो धंधा दो के गेम में आपने सभी लोगों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट भ्रष्टाचारियों को फायदा पहुंचाया। और वित्त मंत्री मंच से कहती तो है किसानों पर बात नहीं कर सकता सत्ता पक्ष, बेरोजगारों पर बात नहीं कर सकता, नोटबंदी पर बात नहीं कर सकता, रोजगार पर बात नहीं कर सकता। इस पर लौटूंगी। प्रोफेसर दिनेश वाशने मेरे साथ हैं। दिनेश जी, आपने कहा आप OPS लेकर आएंगे, कांग्रेस बड़े कैलकुलेटेड तरीके से OPS पर खामोशी साध गई अपने मैनिफेस्टो में, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा आप भी हैं, ये कंसेंसस का कुछ गड़बड़ मसला है क्या? आप कह रहे हैं OPS लाएंगे, वो कह रहे हैं नहीं, साइलेंस उन्होंने की होगी। पहले भी जब UPA 1 और UPA 2 बना था तो उसमें मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हमने 72 सजेशन दिए थे और वो एक्सेप्ट हो गए थे। तो जब हम अब भी जब ये मोदी जी तो लौट के आने वाले नहीं है सरकार में, थे बहुत से बहुत लाए थे 180-181 सीट पे अटक लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है प्रोफेसर दिनेश वाशने? क्या ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? उसका कॉन्फिडेंस हमें इसलिए आता है कि अग्निवीर के कारण पूरा हरियाणा, पूरा वेस्टर्न यूपी, पूरा पंजाब के नौजवान एक वोट नहीं देगा बीजेपी। ये चाहे 5,000 रुपए पर वोट ले, चाहे 10,000 रुपए वोट ले। प्रोफेसर दिनेश, आपकी आवाज, प्रोफेसर दिनेश
मुझे लगता है कि आपने अपनी आवाज म्यूट की है, इसको अनम्यूट करके फिर आगे बढ़िए आप। इसलिए कि हाँ। किसान इनसे नाराज बैठा है, इसलिए आएगा कि इन लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, महंगाई बेहद ज्यादा है, परसों नर्सों की दवाई के 12% दाम पड़े। और गौरिये कहते हैं हम सबसे ज्यादा ईमानदार है, मैं कह रहा हूं आजादी के बाद इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार आई नहीं, जिसने ये कह दिया सीएजी ऑफिस को कि अब हमारे किसी भी स्कीम की सीएजी ऑडिट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? सोशल ऑडिट आप नहीं होने देते अपनी स्कीम का, सीएजी ऑडिट आप नहीं होने देते। ब्रॉफेल में आप कहते हैं सॉवरेन गार्डन गारंटी का क्लॉज गिरा दो सीएजी की रिपोर्ट में, अरे किसको बेवकूफ बना रही। घनश्याम जी जिस पर इशारा कर रहे थे उसकी अगर आप डिटेल में रीमा जी जाएंगी तो आपको पता लगेगा कि क्या बुरी हालत है। जो आपने रेफरेंस दिया था अजीत प्रेम जी यूनिवर्सिटी का शुक्ला जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ 3.8% इन डिवाइड को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसने उस प्रोफेसर ने भी इसी डाटा को कैलकुलेट किया हुआ है, वो डाटा गरिमा जी सही कह रही थी। आप कैलकुलेट करके टोटल बेरोजगार की परसेंटेज निकाल के और उस परसेंटेज पे जाइए, वो वहीं आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर जगदीश आप इतने लर्नेड आदमी है, आप इतने लर्नेड व्यक्ति, मुझे ये बताइए ये चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है, बेरोजगारी को मुद्दा आप बना चुके, महंगाई को मुद्दा आप बना चुके, किसान को आप बना चुके, गरीबी को आप बना चुके, ये बावजूद इसके चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट तो इनके फेवर में है, सरकार के फेवर में जाता है। इस बार नहीं है। अच्छा। इस बार ये नहीं, नहीं तो ये ईडी को इतना एक्टिव नहीं करते, सीबीआई को इतना एक्टिव नहीं करते, एनआईए को इतना एक्टिव नहीं करते, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को रेगिस्तान बना रखा है। तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करके बैठे हुए इनके बंदे, दूध के दुले, जरा ये बता दें एक एक का नाम बता दें। सब इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सपोज कर दिया ना 25 आदमियों का, कब कौन कब आया और इनकी मशीन में धुला और व्हाइट क्लैड हो गया 180 का टर्क। ठीक है 180। प्रोफेसर दिनेश वाशने, मैं यहीं से विजय जी आपके पास आ रही हूं, और क्योंकि मैंने शुरुआत की थी इस मुद्दे की आज, गारंटी, क्या वाकई जो घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि आज सरकार इस हालत में नहीं कि किसी भी मंच से ये कह दे खड़ी होकर कि हम बेरोजगारी की गारंटी देते हैं, रोजगार देने की, हम किसानों पर गारंटी देंगे, हम गरीबी पर गारंटी देंगे, हम महिलाओं पर गारंटी देंगे, सिक्योरिटी पर गारंटी देंगे, ये स्थिति वैसी दिखती है क्या? धर्मा जी शुक्रिया, आपको जवाब दूं उससे पहले एक कविता मुझे उदय प्रकाश जी की याद आती है, बहुत खूब, कि आदमी मरने के बाद कुछ नहीं सोचता, आदमी मरने के बाद कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलने और कुछ नहीं सोचने पर आदमी मर जाता है। तो अच्छा लगा कि एक जिंदा एंकर के साथ हम लोग बैठे हैं, तो उसके लिए बधाई आपको जी। अब बात है गारंटी की, गारंटी के लिए जैसे प्रेम शुक्ला जी ने भी जिक्र किया और घनश्याम जी भी जो बात कर रहे हैं, ये आधा सच है, जैसे कहा जाता है वो एक और हिट गाना है, कस्मे वादे प्यार वफा, सब वादे हैं वादों का क्या। तो वादों में क्या होता है, कुछ वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे अधूरे रहते हैं, कुछ वादों पर चलता है, लेकिन मोहब्बत कब बनी रहती है कि जब आपको ये भरोसा हो कि चलो आज पायल नहीं दिए, एक पायल दिए दूसरी पायल कल आ जाएगी। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं कि भाई दिल से कैसे निकालोगे, मसला यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए जिसके लिए वो कहते कि हमारा जो एजेंडा था वो तो हमने पूरा कर दिया, लेकिन प्रेम शुक्ला जी ये नहीं बोलते कि जो वादे किए थे वो पूरे किए कि नहीं किए। एजेंडा पूरा करना अलग चीज है, वादे पूरा कर... हो गया, राम मंदिर हो गया, तो एजेंडा अलग चीज है, वादे अलग चीज, वादे अलग चीज है। तो वादे पूरा करने पर भारतीय जनता पार्टी या जो और लोग हैं वो नहीं बोलते कि वो पूरे नहीं हुए, और इसलिए घनश्याम जी की बात ठीक है, 44 करोड़ मुद्रा योजना जो फैक्ट्स है वो तो सारी बात है, बेरोजगारी पर ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं हुआ होगा, बेरोजगारी पर कुछ काम हुआ ही होगा। लाभार्थी की जब योजना की आप बार बार जिक्र करते हैं कि 81 करोड़ लोग हैं, कम से कम 25-30 करोड़ लोगों का, तो भारतीय जनता पार्टी को भी भरोसा कि ये उनके पास लाभार्थी है, तो वो कुछ कुछ काम हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अब ये फायर बैक करेगा क्या? ये फायर बैक नहीं करेगा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। अब कांग्रेस को लीजिए, कांग्रेस ने बहुत सारी गारंटी दी, सुरेंद्र जी ने उसका जिक्र भी किया, लेकिन आप ही ने बताया कि गारंटी तो क्या देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे, नहीं, आपने अपनी ही बातों को वापस कर लिया, चाहे वो पीएमएलए की बात हो, वो ईवीएम की बात हो, वो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो, वो ओपीएस की बात हो, तो फिर आपका भरोसा, आपकी क्रेडिबिलिटी तो और कम हो जाती है ना, कि जो बातें जिनको लेकर आप विरोध कर रहे थे उन्हीं पर आज खड़े नहीं हो चुनाव से पहले। प्रोफेसर साहब की तो आपने जिक्र कर दिया, प्रोफेसर साहब को सवाल आपने अचानक पूछ लिया, वो वायनाड में सोच रहे थे, वो वायनाड की चिंता कर रहे थे कि एनी राजा को जिताएं कि राहुल गांधी को जिताएं, तो उनके पास दूसरी चिंताएं अभी हैं। लेकिन इसलिए सवाल यह है कि क्या वोटर
इस बात पर भरोसा कर रहा है कि आपने जो गारंटी दी है वो गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी, कितनी पूरी होगी कितनी ही नहीं होगी? जैसे हुआ पिछली बार कांग्रेस ने 72,000 रुपए की बात की, 72,000 रुपए की बात की सर, लेकिन वैसा वर्षा सवाल एक और भी है क्या कि जितनी अंडर डॉग कांग्रेस है गारंटी पूरी होगी कि नहीं होगी, क्या उतनी अंडर डॉग एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की जो है उसके बाद सत्ता पक्ष भी है क्या कि भाई बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, गरीबी पर बात क्यों नहीं करते? जो वादे किए आपने उस पर आप बात नहीं कर, मैं तो यही कह रहा हूँ जो वादे किए आपने उनको उन पर बात नहीं कर रहे ना, आप अपने एजेंडा पर बात करो तो एजेंडा पर बात करना, एजेंडा को पूरा करना आपके इंटरेस्ट की चीज है, वादों को पूरा करना मेरे इंटरेस्ट की चीज है। हाँ, कि आप पर जिस चीज पर भरोसा हाँ, किया था वो कितना फायर बैक करता है हाँ, इसके लिए तो घनश्याम जी, सुरेन जी, प्रोफेसर साहब जितना उनको जगाएंगे सबको हाँ, हाँ, जितना उसका इशू बनाएंगे, जितना उसका मोमेंटम बनाएंगे, जिसकी आपको लग रहा है क्या कि ये मोमेंटम बन गया सर? वो जो 80 कह रहे हैं, 180 कह रहे हैं प्रोफेसर दिनेश, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, प्रोफेसर साहब की मैथमेटिक्स ज्यादा अच्छी होगी हाँ। मेरे से ज्यादा ही अच्छा समझते हैं वो, इलेक्शन को भी समझते हैं, मैथमेटिक्स को समझते हैं। मैं इस नंबर पर नहीं जा रहा, मैं 370 का भी हमने जिक्र बार बार किया था कि मैं 370 पर भी नहीं जाता कि 370 272 है कि नहीं, 180 पर भी है तो क्या CPI या कांग्रेस के लिए वो कह सकते हैं 180 पर आ रही है? 180 पर CPI भारतीय जनता पार्टी को रोक दीजिए 180 पर, मान लिया हाँ, तो सुरेंद्र राजपूत क्या ये कोई ऐसा दल हाँ, जो इंडिया गठबंधन का है जो 180 को क्रॉस कर रहा है? हाँ, सुरेंद्र जी, क्या आप अपनी इन 25 गारंटियों से खुद को ये गारंटी दिला पा रहे हैं कि आप इस बार सैकड़ा ये जो ट्रिपल डिजिट है इसको पार कर ले जाएंगे? 100% इस बार इंडिया गठबंधन 300 के बाहर आगे जा रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, और हम लोग आप जो सैकड़े की बात कर रहे हैं उससे कहीं आगे जा रहे हैं, अपने साथियों के साथ हम 300 पार करेंगे। आप मुस्कुराएं, आपकी अच्छी बात है हाँ। आप मुस्कुराती वैसे भी अच्छी। जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के दोनों धड़े एक दूसरे के आए बाएं खड़े हो गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP चुनाव लड़ रहे हैं, ये स्थिति कई जगहों पर और भी, और आप कह रहे हैं इंडिया ब्लॉक हम आपको दो चीजें, हम आपको बंगाल भी है, हम आपको सुनिए ना, बंगाल, पंजाब, केरल, जम्मू कश्मीर सब याद दिला देते हैं आपको, जो नहीं भी है। हम लोग जिंदा लोग हैं, हम लोग जिंदा लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा रखते हैं, आपसी बातचीत होती है, मतभेद हुआ हट गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये जो झूठ वाले लोग हैं, जिसे क्या नाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, प्रेम भाई तो पुराने शिव सैनिक है, इनको उनको तो झूठ बोलना मोदी जी ने सिखाया। बहुत संक्षेप में जो 300 सिर्फ छोटी छोटी सी सिर्फ 10 सेकंड में बात, मुझे प्रेम शुक्ला जी से हाँ बिल्कुल हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक छोटा सा शेर था कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब ये लोग EPFO की बात कर रहे हैं, EPFO की बात की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है जनता के बीच में जाना। EPFO में जिम्मेवारी से कहता हूं 2014 के बाद, बल्कि 2018 के बाद, इन लोगों ने एक नया क्लॉज लगाया कि B, C और D क्लास के जो ठेकेदार हैं, उन ठेकेदार जो दैनिक मजदूरों को रखते हैं अपने यहाँ, जो कोई रोजगार नहीं है उनको ये लोग जो EPFO में शामिल मुद्दों का दबाव है क्या? ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मुद्दों का दबाव है क्या और ये कंसर्न होना चाहिए क्या? दबाव हो या ना हो, ये चिंता होनी चाहिए क्या सरकार को? सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे, जिन्होंने महात्मा गांधी से लेकर लगातार सोनिया गांधी के झूठ बोलने के लिए रोटी कपड़ा मकान की बात करते थे, रोटी 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 के लिए कांग्रेस नहीं बोलते, ये सिविलाइज है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट माफी मांगी आपने, ये सुरेंद्र राजपूत और प्रेम शुक्ला, ये सिविलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ा सवाल की USP भी ये है कि यहाँ एक खिड़की में एक वक्त पर एक व्यक्ति बोलता है, चीखम चिल्ली के लिए और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जवाब आ जाता प्रेम शुक्ला का तो बेहतर होता, लेकिन गारंटियों के जोर से शुरुआत की थी, गारंटियों के जोर से ही मैं खत्म कर रही हूं इस सफर को, अब किसकी गारंटी जोर मारेगी? 2024 के चुनाव में लिटमस टेस्ट 4 जून को है, तब भी बैठेंगे। फिलहाल धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केशकांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। को पावर्ड बाय easemytrip.com भारत का ट्रैवल ऐप। एसोसिएट स्पॉन्सर सर्वकॉन भरोसा 35 सालों का सर्वकॉन, राजश्री इलायची टशन का जशन।
बच के रहना हमसे हिंदुस्तान है हम दिल से देश के लिए जी जान लगा देंगे हम